आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, आज हम इस वीडियो में एक नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Diminishing returns occur when total output falls as additional units of labor are combined with fixed inputs in the production process. Diminishing return तभी होता है जब total output गिरता है और additional unit जो होती है labors की combine कर दी जाती है fixed input के साथ production process में। तो देखिए, ये statement जो है एक false statement है। ये statement कैसी है? एक गलत statement है, ठीक है। इसके अंदर जो बोला है, जो diminishing return होता है वो तब होता है जब जब marginal जो marginal product होता है वो fall होता है, ठीक है, और additional units जो होती हैं labor की वो combine कर दी जाती हैं fixed input में production process के। बात करें marginal product की, तो marginal product है output के अंदर change आना अगर हम एक और additional unit input की क्या कर दें, employ कर दें, तो उसके जो change आता है आउटपुट में, तो उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होता है तभी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को कंबाइन करके फिक्स्ड इनपुट में उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।